इस तरह से बेळगांव में कर्नाटक बीजेपी स्पॉन्सर्ड एक संगठन है, वो हमारे वहाँ के मराठी लोगों के ऊपर जिस प्रकार से हमले कर रही है, हमारे शिवसेना के जो प्रमुख कार्यकर्ता है उनके ऊपर खूनी हमले कर रहे हैं, ये बहुत चिंता की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी को या केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में चुनाव में जो हिंसा चल रही है ऐसे वो लोग बोलते हैं, उस बारे में बहुत चिंता है, बहुत चिंता उनको है कि हमारे लोगों पर हमला हो रहा है, हमारे लोगों को मार रहे हैं। लेकिन बेळगांव में 8 दिनों से जिस तरह से हमारे लोगों पर हमला चल रहा है, हाँ खूनी खेल चल रहा है, उस बारे में ना भारतीय जनता पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता बोल रहा है, ना केंद्रीय गृहमंत्री बोल रहे हैं, ना प्रधानमंत्री उसके बारे में कोई सूझबूझ ले रहे, तो क्या अगर वहाँ हमारे लोगों के सर फूट रहे तो हम भी हमारे हाथ में डंडे लेकर वहाँ जाए क्या? देखिए हम भी उसी तरह से जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये देश का अंतर्गत मामला है, ये भारत पाकिस्तान का मामला नहीं है। ये भाषा विवाद थोड़ा बहुत है, वो शांति की तरीके से छूट भी सकता है अगर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री उसमें हस्तक्षेप करें तो। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूँगा या डिप्यूटी सीएम से अपील करूँगा, ऑल पार्टी डेलीगेशन बेळगांव में जाना चाहिए हमारे लोगों को ताकत देने के लिए।